वेलकम टू बानी स्मार्ट क्लास, दिस इज मी प्रदोष मिश्रा और आपका स्वागत है। हर्टली वेलकम टू यू। आज हम आए हैं आपके साथ एक नया वीडियो के साथ। आपका टॉपिक देख लीजिए, यह शॉर्ट वीडियो ऑन कंडीशनल सेंटेंस। आप एग्जाम दे रहे हैं, कई सारे एग्जाम दिए हैं, शॉर्ट वीडियोस और कंडीशनल स्ट्रक्चर परफेक्ट मैच है। हम जानते हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हमारे लिए मार्क फेचिंग है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आई एम एज एक्साइटेड एज यू आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सारा चीज़ को। और सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे। तो लिखा है कंडीशनल सेंटेंस आर ऑल्सो नोन एज इफ क्लॉजेस। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने अंडरलाइन किया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये कंडीशनल स्ट्रक्चर का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो पहले यहाँ पे लिखा है दे आर यूज टू डिनोट द एक्शन इन द मेन क्लॉज विल ओनली टेक प्लेस इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। आसान भाषा में कैसे समझें, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं कंडीशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखूं, आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर, आई विल अटेंड द पार्टी। इस सेंटेंस के माध्यम से हमने एक अपना ओपिनियन दिया कि मैं ये पार्टी अटेंड करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है इफ ही इनवाइट्स मी। अगर हम इस तरीके से लिखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ को अगर मैं एक कंजंक्शन की तरह लिखूंगा तो यहाँ पे क्लॉज है। क्लॉज यानी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जहाँ सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद जो भी कुछ आए। तो यहाँ पे इफ के बाद एक क्लॉज है, इसको बोलेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये कंडीशन डिपेंडेंसी बताता है। अगर इन्वाइट करेगा तभी मैं जाऊँगा। ये जो उससे पहले लिखा ये हो गया आपका मेन क्लॉज, इसको पहले समझिए। इसको हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ ए कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर का मतलब हम ऐसे समझे, दो क्लॉज हैं, ठीक। एक क्लॉज में जो सूचित किया गया एक्शन है वो तभी होगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है। उसके लिखने का तरीका क्या है, उसी चीज को टर्मिनोलॉजी ऑफ कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। तो सबसे पहले इसको आपने नोट कर लिया होगा, बैठ गया होगा आपके दिमाग में। देखिए कैसा है, ये मेन क्लॉज है, ये कंडीशनल क्लॉज है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, अब देखिए उसी तरह का एग्जांपल तो यहाँ पे दिया गया है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यू विल सक्सीड, ये बन गया आपका मेन क्लॉज। क्लॉज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद जो भी हो। अब देख रहे हो ऐसे लिखा है कि नहीं, हु विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। तो इस क्लॉज का सब्जेक्ट बन गया यू, यू विल सक्सीड, ये बन गया उसका वर्ब। अब कंडीशन क्या बन गया, यहाँ पे कंडीशन जैसे हमने यहाँ पे इफ यूज किया था, यहाँ पे हमने प्रोवाइडेड को यूज किया है। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर में जो कंडीशनल वर्ड होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इफ ही हो। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स कैन बी यूज, जैसे कि यहाँ पे आपने प्रोवाइडेड को यूज किया है। अब प्रोवाइडेड के बाद यहाँ जो लिखा है यू वर्क हार्ड, ये बन गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट में देखिए, अभी जैसे हमने बताया था, जस्ट क्या बोला था कि कंडीशनल वर्ड मतलब सिर्फ इफ नहीं, कई और सारे भी वर्ड हो सकते हैं, तो उन्हीं का कुछ लिस्ट दिया गया है। देखिए कंडीशनल वर्ड की तरह हम कौन कौन से वर्ड्स या फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। एक है इफ, हमें पता है, प्रोवाइडेड, ये दूसरा है एज सून एज आ गया, नो सूनर देन आ गया, अनलेस, अनटिल, व्हेन, कहीं भी आ गया, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है कंडीशनल स्ट्रक्चर हैव टू पार्ट्स, इफ क्लॉज, मेन क्लॉज। दिमाग में बैठ रहा है ना टर्मिनोलॉजी, अभी हमने डिस्कशन किया था, मेन क्लॉज किसे कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज किसे कहते हैं, बस यहाँ पे लिखा गया है। देखो, इफ आई हैव एनफ मनी आई विल गो टू जापान, ये एक एग्जाम्पल है। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। बताइए ये जो सेंटेंस है इसको मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ। If I have enough money, I will go to Japan. अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कंडीशनल यहाँ पे मेन क्लॉज कौन सा है, कंडीशनल क्लॉज कैसा है, अब क्या बताएंगे, जब पहले आता है वो मेन क्लॉज, ऐसा नहीं बताना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ के बताना है। तो यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज है ये आई विल गो टू जापान, लेकिन एक कंडीशन है, ऐसा समझो। वो कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास पैसे हुए तभी तो, अगर गब्बर सिंह मेरे को पैसे देगा उन्हीं पैसों को लेके मैं फॉरेन जाऊंगा, ऐसा मेरा सिचुएशन है। तो यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज बन गया ये, इफ आई हैव एनफ मनी। क्लियर हो गया, आई होप दिमाग में बैठ गया। तो ये वाला हो गया आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है कंडीशनल क्लॉज के क्लासिफिकेशन। अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो इसको बताया गया है, कंडीशनल क्लॉज का जो हम लिखते हैं उनको तीन स्ट्रक्चर के माध्यम से, तीन स्ट्रक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो तीन स्ट्रक्चर क्या है सर, पहले अगर इफ क्लॉज यानी कि कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट में रहे,
सेकेंड, यानी कि कंडीशनल क्लॉज आपके पास्ट में आए, यहाँ पे पास्ट लिखा है, दैट्स अ टाइपिंग एरर, इट्स नॉट पास्ट, इट इज पास्ट टेंस, ठीक है। और तीसरा, अगर इफ क्लॉज आपके पास्ट परफेक्ट कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। ये तीनों बन गए क्लासिफिकेशन ऑफ कंडीशनल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो इसको ऐसे लिखने का मतलब है, आप इफ क्लॉज के स्ट्रक्चर को देखिएगा, इफ क्लॉज के स्ट्रक्चर के अनुसार आपका मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए बोला गया है कि इफ क्लॉज प्रेजेंट में हो, इफ क्लॉज पास्ट में हो, इफ क्लॉज परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, ठीक है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, एवरी सेकेंड इज प्रीशियस। चलते हैं अभी देखिए जनरल फॉर्मूला, पहला वाला ध्यान दीजिएगा, ये इट्स ए नोटवर्थी पॉइंट। क्या लिखा है? इफ के बाद अगर हमने वर्ब को सिंपल प्रेजेंट में लिखा या सिंपल फ्यूचर में लिखा, कैसे लिखते हैं सर, क्या इसके एप्लीकेशन है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखेंगे। आई विल फाइंड हर एड्रेस, आई विल सेंड एन इंटरव्यू, यहाँ पे लिखा है। देखो पहले इसको रूल पढ़ लेते हैं, इन सब सेंटेंसेस अगर इफ क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा तो मेन क्लॉज में फ्यूचर बनेगा। यानी कि ये बता रहा है इफ में फ्यूचर, मेन में फ्यूचर, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आ सकते, ये गलत बनेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया, देखो मेन क्लॉज कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे लिखा है ILL, मतलब आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ आई विल फाइंड हर एड्रेस। दिक्कत क्या बन गया? दिक्कत यह बन गया, यहाँ पे आप देखो दो बार दो जगह पे आपने विल लिखा है, ये गलत हो गया। हम इफ क्लॉज में विल को काट देंगे। तो देखो इसको करेक्ट करके कैसे लिखा है, इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन। अभी आपके दिमाग में कुछ आएगा, सर ऐसा है कि कंडीशनल स्ट्रक्चर पहले आएगा, अगर मैं इसको बाद में लिखूंगा तो चलेगा? यानी कि आप अगर ऐसा लिखना चाहोगे, इफ आई विल सेंड एन इन्विटेशन इफ आई फाइंड हर एड्रेस, बन जाएगा सर, पोजीशन डजंट मैटर, योर स्ट्रक्चर शुड बी ओके, गेटिंग इट। अब चलेंगे इसके नोट को, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इन फ्यूचर, सेकंड एक्शन डिपेंड ऑन द फर्स्ट एक्शन सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, सेकंड सिंपल फ्यूचर में रहेगा। यही वाला मेरा एग्जांपल है, दो फ्यूचर टेंस नहीं आना चाहिए। देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सी विल कम टू मीट यू, आज सुन आज यू विल रीच दिल्ली। दिक्कत क्या है? यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज यहाँ से स्टार्ट होता है, एज सुन आज, ठीक। तो यहाँ पे भी विल आ गया, यहाँ पे भी विल आ गया। अकॉर्डिंग टू द रूल जो कि हमने पहले बनाया है, अगर कंडीशन, अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा, तो हम विल को काट देंगे। कैसे लिखेंगे? सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। क्लियर हो गया? अब उसी तरह का सेकंड एग्जांपल देखिए, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। मेन क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हुआ, करप्शन विल श्योरली फिनिश, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, तो इफ क्लॉज में फ्यूचर टेंस नहीं रहेगा। कैसे करेक्शन करेंगे? विल को काट देंगे। इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। गेटिंग? अब देखिए नीचे, इन द अबव सेंटेंस विल, शल, वुड, विल नॉट कम विद द पार्ट, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में विल, शल नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है, नॉट जो है वो अनटिल और अनलेस के साथ यूज नहीं करते। सिंपल सा रीजन है, अनटिल अनलेस खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, दो नेगेटिव एक साथ हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम नॉट को काटेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा है, इन कंडीशनल सेंटेंस विल एंड शल जो है कैनॉट बी यूज विद व्हेन, व्हेन के साथ विल और शल को नॉर्मली हम यूज नहीं करेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल स्टार्ट। देखिए कैसे रूल अप्लाई हुआ है, व्हेन से यहाँ पे कंडीशनल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। मेन क्लॉज में फ्यूचर है, दो फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, हमने विल को यहाँ पे डिलीट करना है, डिलीट कर लिया। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स। क्लियर? तो ये बन गया प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में आपको बता दूं एक चीज आएगा, वो होता है जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आएगा तो दोनों प्रेजेंट में ही रहेंगे। जैसे कि मैं मान लूंगा, देखो लिखता हूं ऐसे, इफ यू हीट वाटर या फिर इफ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर। अभी इसको फोकस करो, ये जो है ये हमेशा होने वाला है, इसमें कोई कंडीशन वाली बात नहीं है, है कि नहीं? ये ऑलवेज सेम एक्शन सेम रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट बन गया। अगर आप इसमें R&D करोगे, अनुसंधान करोगे, आप इसको लिखोगे इफ यू हीट आइस इट विल टर्न टू वाटर, गाली सुनना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो जहाँ पे यूनिवर्सल एक्शन आएगा वहाँ पे आप दोनों ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट V1 फॉर्म को ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब चलेंगे सेकंड कंडीशन में, ये तो सेकंड कंडीशन, इसको आप देखिए जनरल फॉर्मूला, इफ के बाद यहाँ पे V2 फॉर्म आएगा तो सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस V1 आएगा, ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल फॉलो कीजिए। देखो इफ आई हैड मनी पास्ट टेंस में चला गया, क्यों?
तो आई वुड लेंड इट टू यू, वुड प्लस वी वन फॉर्म आ गया, क्योंकि वुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है। ठीक, ये बोल के आपका सेकंड कंडीशन। ठीक है, अच्छा फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के बीच में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन मतलब एक चीज के होने के आसार पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कंडीशन में अगर आप सेंटेंस लिखोगे तो उसके आसार उस चीज के। अभी आप चलेंगे सेकंड कंडीशन में, देखिए ये बताया गया है इफ के बाद अगर आपका सिंपल सिंपल पास्ट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस वी वन आता है। वुड के साथ वी वन क्यों आएगा सर? क्योंकि पहला चीज इसको याद रखो, वुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वी वन आएगा। दूसरा चीज, ये एक इमेजिनरी कंडीशन आएगा। इमेजिनरी ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आप कंसिडर कीजिए फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल, इन दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। फर्स्ट कंडीशनल में अगर आप कोई चीज़ बताते हो तो आप उस कंडीशन का रिजल्ट पॉजिटिव होने के चांसेस है। मैं जाऊँगा अगर वो इनवाइट करेगा, मतलब देर इज ए चांस कि वो इनवाइट करेगा तो मैं जरूर आऊँगा। अभी सेकंड कंडीशन, इफ आई वेर ए किंग आई वुड बिल्ड ए पैलेस, अगर मैं राजा होता तो मैं पैलेस बिल्ड कर लेता, लेकिन आप राजा है नहीं, होने के चांसेस भी नहीं है, तो ये आपका इमेजिनरी कंडीशन हो गया। तो इमेजिनरी कंडीशन वुड यहाँ पे सूचित करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल कैसे लिखा है ना, इफ आई हैड सीन यू, ओके यहाँ पे सॉरी, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, तो अगर मेरे पास पैसे होते मैं आपको लेंड कर लेता, अगर नहीं है तो नहीं कर सकता, इमेजिनरी कंडीशन बन गया। ठीक, अब थर्ड में चलिए, यह है इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है सर? यहाँ पे हैड प्लस वी थ्री आएगा, तो वुड हैव वी थ्री, कुड हैव, माइट हैव, कोई भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए, इफ आई हैड सीन, अगर मैंने आपको देखा होता आई कुड हैव स्टॉप माय कार, ठीक, देखा होता तो मैं उसको स्टॉप कर सकता। अभी थोड़ा सा कंपेयर करते हैं सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल को, इनमें अंतर क्या है सर? जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड में बोला, फर्स्ट मतलब कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, सेकंड में इमेजिनरी कंडीशन है, थर्ड मतलब ये हो गया आपका डेफिनाइट इम्पॉसिबिलिटी, अगर पैसे होते तो मैं दे देता, नहीं थे नहीं दिए, मतलब ये रिपीट नहीं होगा फ्यूचर में, लेकिन ये डेफिनेट इम्पॉसिबिलिटी इन द पास्ट को दिखाता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड कंडीशनल है इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, हम इफ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हैड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हैड से स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे ना, देखिए हैड वी थ्री ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट वुड हैव वी थ्री, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माय कार, दोनों सर सही बैठेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया हो गया। तो इन तीनों को अगर मैं समराइज करूँ तो एक फॉर्मूला बेस्ड को यूज़ करेंगे, तो ये तीन फॉर्मूला देखिए, इफ में प्रेजेंट इंडेफिनाइट है सिंपल फ्यूचर आएगा, सेकंड कंडीशनल में एफ इफ प्लस वी टू फॉर्म है तो वुड प्लस वी वन आएगा, थर्ड में सब्जेक्ट के पास हैड वी थ्री है तो वुड हैव के प्लस वी थ्री फॉर्म आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? आप इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ एक्स्ट्रा है, वी नीड दैट एक्स्ट्रा पंच हियर। तो यहाँ पे लिखा है कुछ अदर काइंड्स ऑफ कंडीशनल स्ट्रक्चर, क्या है सर ना, इमेजिनरी कंडीशन है, इफ आई वेयर ए बर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन में हमेशा वेयर यूज होता है, क्यों लिखा है? क्योंकि सर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वेयर, ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दे एक्टेड एज दो आई वेयर ए ड्रंक, ही वेयर ए ड्रंक, दे वेयर ए ड्रंक, कुछ भी लिखने से भी ठीक आएगा। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन वेयर के साथ यूज हुआ है, तो इमेजिनरी कंडीशन है बल्कि कैसे पता चलेगा ना, अगर उस सेंटेंस में ये सभी कीवर्ड्स होंगे, आई वुड दैट इन केस एज इफ एज दो अगर आएगा, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, नहीं ही वेयर माई फादर, क्यों? क्योंकि इमेजिनरी कंडीशन में हमेशा वेयर आएगा, वॉज नहीं आएगा। गेटिंग द लॉजिक? इफ क्लॉज कैन ऑल्सो टेक अनलेस सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज, ये सब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशनल वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए सेंटेंस लिख के। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर आएंगे विद सम मोर एक्स्ट्रा स्टफ। ओके, गो थ्रू इट गाइज, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू।